पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आती पुलिस चौकी रहन की संयुक्त टीम ने बुधवार को छत्र रोड पर वन विभाग के कार्यालय के पास एक कार में से 18 पेटी देसी शराब बरामद की। उक्त शराब कार नंबर HP01D4734 से बरामद की गई। कार को पलविंदर सिंह चला रहा था जबकि साथ में दलजीत सिंह बैठा हुआ था। दोनों छत्र जोगियां के निवासी हैं। ज्ञात रहे कि पुलिस चौकी रहन के ASI भजन जरियाल, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल नागेश्वर सिंह व राजेश कुमार की संयुक्त टीम बुधवार को रूटीन गश्त पर थी। इस दौरान बुधवार सुबह पुलिस टीम ने छत्र रोड की तरफ आती एक कार को रोका। इस मौके पर तलाशी के दौरान पुलिस ने कार की डिक्की में से 15 पेटी व पिछली सीट पर रखी 3 पेटी कुल 216 बोतल 1,62,000 मिलीलीटर संतरा ब्रांड शराब को बरामद किया। इस बीच पुलिस ने गाड़ी व शराब को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP विशाल वर्मा ने बताया कि शराब के साथ गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लिए फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मैं ASI भजन सिंह अपने साथी मुलाजमानों के साथ जो है मॉर्निंग जो है ट्रैफिक चेकिंग वो अगस्त के लिए था, तो ये क्या जगह का नाम है इसका अपना सक्रिय मोड जो है फॉरेस्ट ऑफिस के सामने हम गाड़ी को चेक करे, तो एक गाड़ी ETO नंबर ये है HP01D4734 को हमने रोका। तो चेकिंग के दौरान जो दो व्यक्ति एक ड्राइवर साथ एक अन्य व्यक्ति और बैठा हुआ था और पीछे गाड़ी के पीछे सीट के बीच में 3 पेटियाँ और गत्ते की और डिक्की में कुल 15 पेटियाँ कुल 18 पेटियाँ मतलब गत्ता पेटी BRB संतरा शराब बरामद हुई है। तो लाइसेंस पर प्रमाण मांगा गया तो इन्होंने कोई लाइसेंस प्रमाण नहीं किया, तो आगे नियमानुसार मिला जाएगी। ठीक है सर।